बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने के फैसले के बाद शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया। उन्होंने बीते दिन शनिवार को कहा कि 2019 में ही सहयोगी दलों को खत्म करने की भाजपा की नीति को वह समझ गए थे, नीतीश कुमार भी अब समझ गए हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे ने बीते दिन शनिवार को पूर्व पार्षदों से मुलाकात की। उन्हें संबोधित करते हुए ठाकरे ने कथित तौर पर कहा कि मैंने 2019 में ही सहयोगियों को खत्म करने की भाजपा की नीति को समझ लिया था और इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के साथ संबंध तोड़ लिया था। 2019 में जो मैंने समझा वह अब नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में नीतीश कुमार की जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन से बाहर निकलकर बिहार में नई सरकार बनाने के लिए राजद के साथ गठबंधन किया था। शिवसेना नेताओं के अनुसार ठाकरे ने नगर सेवकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, हालांकि वे अब नगर सेवक नहीं हैं और लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करें। वहीं एक सूत्रों का कहना है कि उन्होंने उन्हें स्थानीय स्तर के संपर्कों, लोगों के मुद्दों पर जोर देने और जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की सलाह दी है। जानकारी के अनुसार ठाकरे ने पार्षदों से कहा है कि वे याद रखें कि बीएमसी चुनाव के लिए उनकी लड़ाई भाजपा के साथ है, ना कि सिंदे खेमे से। उन्होंने सिंदे गुट को महत्व नहीं देने के लिए कहा। ठाकरे ने कथित तौर पर नगर सेवकों से कहा है कि जैसा कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ 2017 बीएमसी चुनाव जीता था, वे इस बार भी जीतेंगे। ठाकरे ने एक नेता का हवाला देते हुए कहा, पिछली बार शिवसेना और भाजपा ने बीएमसी में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब भी शिवसेना जीती थी, इसलिए इस साल होने वाले चुनाव में भी तस्वीर जस की तस रहेगी। हमारी लड़ाई भाजपा के खिलाफ है। एक नेता के अनुसार साहब ने हमसे कहा था कि सिंदे खेमे और भाजपा द्वारा नियुक्त एजेंडों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के झांसे में ना आए। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि पिछली बार हम बिना बीजेपी के गठबंधन से जीते हैं और इस बार भी जीतेंगे।